स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूँ, एक पहेली की जो आज पूछी गई है और दूसरी नेत्रहीन व्यक्ति कैसे पढ़ेगा काव्य पाठ, उसके ऊपर। अभी ये तीसरी वीडियो है आज की, आने वाले एपिसोड के अपडेट्स के बारे में। इसमें कुछ खास बातें होने वाली हैं जो महाराजा के आगमन को लेकर, आने वाली पहेली को लेकर और हो सकता है महाराने के पर्दाफाश को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की। तो जब रामा आने वाले एपिसोड में नेत्रहीन व्यक्ति वाली पहेली को सुलझा लेगा, तो उसके बाद ना तो महाराज आएंगे और ना कोई पहेली, लेकिन एक पहेली आएगी महारानी के कक्ष में, जिसको वो किसी को भी नहीं बताएगी कि मुझे पहेली मिली है और महाराज ने मुझे पहेली भेजी है। जब कोई पहेली नहीं आएगी, रामा को इस बात का पता चलेगा कि इतने दिन तक अगर पहेली नहीं आती है और खुद महाराज भी नहीं आते हैं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तब रामा ये बात पता लगाने के लिए हो सकता है खुद एक पहेली का नाटक करे या फिर महाराज खुद उन्हें पहेली भेजें। तो जो पहेली रामा के पास आएगी या जो चिट्ठी रामा के पास आएगी, उसमें लिखा होगा कि मैंने पहेली भेजी थी, जो पांचवी पहेली थी वो पहेली मैंने भेजी थी, लेकिन वो पहेली जिसको भेजी थी उसने उसको दबा लिया है। और उस चिट्ठी में लिखा होगा कि अगर वो व्यक्ति उस पहेली को और उस चिट्ठी को माता के मंदिर के पीछे रख आएगा तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा और वो साफ बच जाएगा। ये जो चिट्ठी महाराज के द्वारा नहीं भेजी जाएगी, ये चिट्ठी खुद रामा ये अपनी चालाकी से ऐसा जो दृश्य या परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा कि महारानी को वो चिट्ठी, वो पहेली वाली चिट्ठी माता के मंदिर के पीछे रख के आनी पड़ेगी। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी रख के आएगी। वो रात के अंधेरे में महारानी जब वो चिट्ठी रखने जाएगी तो रामा भी वहीं पहुंच जाएगा ये देखने के लिए कि पहेली आई किसके पास थी। ये तो उसे अंदाज़ा तो था कि वह हो सकता है पहेली महारानी के पास आई हो, लेकिन वो ये चेक करने के लिए। लेकिन महारानी उस समय वेश बदल कि कौन है जो पहेली रख के जाएगा, वो रामा वहाँ पर पहुँच जाएगा। वहाँ पर उसे महारानी वेश बदल के पहेली रखती हुई दिखाई देगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी रानी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन रामा को पता चल जाएगा कि अगली पहेली क्या है, वो चिट्ठी से मिल जाएगी और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं महारानी को भी पहचान लेगा कि सब के पीछे कौन है। तो ये सब कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। आपका एक लाइक हमें बहुत सारी हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।